नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पे सरकार के द्वारा किए गए 4 साल के कार्यों पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करी गई। जैसे काम, दमदार योगी सरकार फिल्म का प्रदर्शन हुआ, साथ ही रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पुस्तिका का विमोचन हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी निवेश के लिए बेहद अनुकूल बना है। बड़ी बात तो ये है कि यूपी 5वें स्थान से अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया कि पिछले 4 वर्ष में प्रति व्यक्ति की आय 2 गुना हो गई है, और तो और टीम वर्क ने नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाया। साथ ही पिछले 4 वर्ष पूर्व केंद्र की किसी योजना में यूपी का स्थान नहीं था, क्योंकि तब सरकारों की ऐसी सोच और रुचि नहीं होती थी। संवाद सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया कि आज केंद्र की स्वच्छ भारत मिशन से लेकर अन्य योजनाएं नंबर 1 पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, 59 नए थाने, विजिलेंस के 10 थाने बनाए गए, 18 रेंज में नई विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनी, कानून व्यवस्था में सुधार आया, सभी जघन्य वारदात में कमी आई। और तो ये भी बताया कि हमने सभी क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन करके दिखाए, विगत 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही नहीं हो पाता था। सालों में सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के अपराधी दूसरे प्रदेशों में छुप करके जान बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, पर्यटन, पुलिस, रिफॉर्म क्षेत्र में हमने बेहतर कार्य किया है। कमिश्नर प्रणाली लागू किया, सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया, कुछ नए थानों की स्थापना करवाई है। प्रदेश में 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री योजना किसान सम्मान, ऐसी सभी योजना में बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही ये भी बताया कि किसानों के हित में कई नए कदम भी उठाए हैं। साथ ही मंडियां स्थापित की हैं, मंडी शुल्क को कम किया, किसान सम्मान निधि से किसानों को मजबूत बनाया। आजादी के बाद जो मूलभूत सुविधाएं थी, वह प्रदेश के कई ऐसी बातें हैं जहां तक नहीं पहुंची। ठीक है, जैसी हमारी सरकार ने प्रदेश के वन्य गांव को राजस्व गांव को बदलने, मुसहर गांव को सरकारी सुविधाएं दिलाने समेत सभी सुविधाएं एवं योजनाओं से आच्छादित कराया गया, 5 नए एक्सप्रेसवे बनवाया, नए एयरपोर्ट बनवाया, जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ वो 4 वर्षों में पूरा करवाया है। साथ ही ये भी बताया कि अयोध्या में भी एयरपोर्ट के निर्माण का काम कर रही है सरकार। ललितपुर आदि कई जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। मेट्रो की भी सुविधा के लिए कानपुर और मथुरा में कार्य चल रहा है। गन्ना भूमि अधिग्रहण का भी कार्य चल रहा है। ये 3 सभी सुविधा का लाभ लिया जा रहा है। साथ ही महिला के लिए महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया, और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में भी कार्य भी जारी है। 6 लाख से अधिक मंगला सुकन्या योजना से लाभान्वित किया गया है। गढ़िम क्षेत्र में महिला के समूह को पोषण मिशन को राज्य महिला समूह ही संभालेगी। साथ ही थारू, कोल, सहरिया, मुजहर, बंटांगिया और थारू जातियों का जीवन बदला है, समाज के अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। 2017 से पहले जहां से अंधेरा शुरू हुआ था, वहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। अब सरकार ने प्रदेश में ऊर्जा एवं विद्युत सुविधाओं को बढ़ाकर कोने कोने तक पहुंचाया, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री के अनुकंपा से हर घर नल योजना के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में समेत प्रदेश के अन्य 30,000 गाँव में भी शुद्ध जल पहुँचाएगी सरकार। ये कार्य जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का विकास दिख रहा है, और तो और हर घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ रहे हैं। संवाद सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 30,000 गाँव में लागू होगा जल जीवन मिशन। निराश्रित गौ आश्रय स्थल योजना पर बड़ा काम चल रहा है। किसान गौवंश आश्रय सहभागिता योजना लागू की गई है। गौवंश के पालन के लिए गाय के साथ 900 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और तो और 54 लाख हेक्टेयर भूमि भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है। वरासत अभियान से 8,53,000 मामले निपटाए गए हैं। प्रदेश में 3 लाख करोड़ से जया का निवेश हुआ है। निवेश मित्र पोर्टल पर 227 सेवा दी गई है। प्रदेश में निवेश से रोजगार की संभावना बढ़ गई है। कोरोना काल में भी 54,000 करोड़ का निवेश हुआ है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए एडिटर अनिल तिवारी की लखनऊ से खास रिपोर्ट।